नमस्कार, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट एचएस ठाकुर। तो स्वागत है आपका मेरी स्मार्ट क्लासेस में। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्मार्ट क्लासेस के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सिप्की पास 4500 मीटर हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? पहला ऑप्शन है आपके पास लाहौल एंड स्पीति, दूसरा है किन्नौर, तीसरा कांगड़ा, चौथा कुल्लू। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो किन्नौर है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला 21 अप्रैल 1960 को बना। 1960 से पहले किन्नौर जिला भासू जिले की चीनी तहसील के रूप में जाना जाता था। किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपियो है और किन्नौर में सबसे अधिक अंगूर रिब्बा में पाए जाते हैं और यहाँ पे कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्की और किन्नौर को तिब्बत से कौन पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ए इज मानक, बी शिवालिक, सी जास्कर, डी पीर पंजाल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इसका सही आंसर जास्कर पर्वत श्रृंखला है। जास्कर पर्वत श्रृंखला उच्च पर्वत श्रेणी में आती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम शिला है 7025 मीटर की ऊंचाई पर है, वो इसी पर्वत श्रृंखला में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जास्कर पर्वत श्रृंखला स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लौह स्पीति की किस लेक को लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सतलुज, सेकंड है चंद्रनहन, थर्ड चंद्रताल, फोर्थ भिगु। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रताल। चंद्रताल और सूरजताल दोनों ही नदियां लाहौल एंड स्पीति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? ए रिकांगपियो, बी केलोंग, सी रिबा, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकांगपियो। रिकांगपियो किन्नौर का मुख्यालय है और किन्नौर जिले में संजय जल विद्युत परियोजना है जो भावा नदी पर बनी है और 120 मेगावाट की है। रिकांगपियो में नवोदय स्कूल भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश कब ग श्रेणी का राज्य बना? ए 1947 को, बी 1951 को, सी 1971 को, डी 1952 को। तो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1951 को हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बना। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था और 1956 से 1971 तक यह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह देश का 18वां राज्य बना। तो इसका करेक्ट आंसर है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द रूलर ऑफ बिलासपुर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? ए इज अनंतचंद, बी वीरसेन, सी दीपचंद, डी हमीरचंद। तो इसका करेक्ट आंसर है अनंतचंद।
अनंतचंद जो थे वो बिलासपुर के रूलर थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंबा टाउन की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन इज नीरू बर्मन, सेकंड साहिल बर्मन, थर्ड उमेद सिंह, फोर्थ ललित बर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर है साहिल बर्मन। फ्रेंड्स, साहिल बर्मन ने 1920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की। चंबा शहर का नाम साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा और इसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर है साहिल बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट फॉर एचपी इन 1952? ए इज 24, बी 68, सी 36, डी 40। तो इसका करेक्ट आंसर है 36। 36 सीट्स के लिए 1952 में चुनाव हुए। तो फ्रेंड्स, 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से 24 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और डॉक्टर वाई एस परमार 24 मार्च 1952 के में एचपी के पहले मुख्यमंत्री बने। तो इसका करेक्ट आंसर है 36 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एचपी इन 1952? 1952 में पहला गवर्नर इनमें से कौन बना? ए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बी जनरल हिम्मत सिंह, सी एनसी मेहता, और फोर्थ है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल हिम्मत सिंह, जो कि 1 मार्च 1952 को फर्स्ट गवर्नर बने हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर वाई एस परमार कब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने? ए 1963 में, बी 1967 में, सी 1952 में, डी 1972 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1952। 1952 में पहली बार डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फ्रेंड्स, वाई एस परमार 4 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। फर्स्ट टाइम 1952 से 1956 तक बने। इस समय कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड एचपी मेड अ यूनियन टेरिटरी? ए 1956, बी 1951, सी 1971, डी 1947। तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स डिड हिमाचल प्रदेश हैव टिल 1966? 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? ए 10, बी 12, सी 6 और डी 4। फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हिमाचल में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई थी, क्योंकि 1966 में कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, नालागढ़, डलहौजी, कंडाघाट आदि क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट? ए एस चक्रवर्ती, बी एम एच बेग, सी सुरेंद्रनाथ, डी डॉक्टर वाई एस परमार। तो इसका करेक्ट आंसर है एम एच बेग।
मिर्जा हिमदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिमला में ब्रिटिशों ने केटी थिएटर कब खोला? 1888 में या 1947 में या 1971 में या 1847 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1887 में ब्रिटिशों ने शिमला में गेटी थिएटर खोला, 30 मई 1987 को खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशिएंट टेक्स्ट? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? जास्कर के नाम से जाना जाता था, या मानक के नाम से जाना जाता था, या शिला के, या मोलार? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मानक पर्वत है। मानक पर्वत नीमल पर्वत श्रेणी में पड़ता है और अब इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन, कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।